सो गाइस हम लोग अब फैकल्टी रिच कर चुके हैं। ये देखिए हमारे पास चार फैकल्टीज हैं, एक नंदिनी लेक्चर थिएटर है जहाँ हम सब लोगों की क्लासेस चलती हैं, बाकी तीन जो मेन बिल्डिंग है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक है, तो वहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल लैब्स हैं, वो हमारे सारे टीचर्स हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो खड़े हैं। मैं आप सबके इंट्रोडक्शन कराऊंगा उन लोगों से, पहले मैं आपको नंदिनी लेक्चर थिएटर में लेके चलता हूँ। आइए जाऊँगा सर, वो मेरे टीचर है जो मुझे प्रैक्टिकल कराते हैं। होली का टाइम है तो सब लोग पूछ रहे हैं कि हम घर पे हैं या यहीं पे रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर है जो तीन मंजिला कॉरिडोर है और ये तीनों जो बिल्डिंग्स हैं इन तीनों को कवर करता है। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले हम लोगों ने कुछ प्लांट्स लगाए थे लेकिन वो सारे सारे एक्सेसिव समर के कारण डिस्ट्रॉय हो गए, पर कुछ अभी तक बचे हुए हैं। आइए मैं आपको नंदिनी के पूरे वो कराता हूँ। नंदिनी लेक्चर थिएटर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से बना है, एकदम एडवांस है और एकदम वेल इक्विप्ड है। आइए दिखाता हूँ, यह हमारा नंदिनी का एंट्रेंस है। आइए तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी साफ सफाई है, ये वाटर कूलर है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए चेयर्स लगा रखी हैं और यहाँ पे भी चेयर्स हैं। वहाँ पे फीमेल के लिए टॉयलेट हैं और मेल के लिए टॉयलेट वहाँ पर हैं। और ये लिफ्ट है, ये तीरे जो लिफ्ट है वो तीनों की तीनों उसको कवर करती है, ऊपर तक तीनों बिल्डिंग्स को एक साथ जा कवर करती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेल का टॉयलेट है, आप लोग टॉयलेट की कंडीशंस भी देख सकते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि टॉयलेट की वहाँ कंडीशंस कैसे रहती है, ये देखिए। एक इंग्लिश, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी सीट है, देसी सीट जिसे कहते हैं। और ये सारे सारे यूरिनल हैं, ये मेल टॉयलेट है। गर्ल्स टॉयलेट के अंदर गाइस मैं जा नहीं सकता, आप समझ सकते होंगे। आइए मैं आता हूँ, ये सारे नोटिस बोर्ड यहाँ लगाए जाते हैं, सब बच्चों के लिए नोटिस होता है, जो लोग जिनकी अटेंडेंस कम है, कोई इंफॉर्मेशन एज ए फैकल्टी रिलेटेड दी जाती है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कॉरिडोर है इसका, हमारी फैकल्टी का। ये सारे फैंस लगा रखे हैं इमरजेंसी अपने। और ये देखिए, आइए मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ कि हमारी क्लासरूम कैसी है। तो क्लासरूम में हम लोग कैसे बैठते हैं, ये CPU है और ये क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। और आप सारी ये देख सकते हैं सीट्स कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे बच्चे कैसे बैठते होंगे आप समझ सकते हैं। ये सारी सारी सीटों में ऐसे बैठा जाता है, ये नीचे हो जाती हैं फिर सारे बैठ जाते हैं, सारी सीटें ऐसी ही हैं, देख सकते हैं आप वेटनरी में कितना इम्प्रूवमेंट है गाइस। और सारे सारे कर्टन्स हैं, गर्मी सर्दी के लिए अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसमें गर्मी के टाइम में इसके अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती गाइस। और पंखा करा रखा है अवेलेबल। और यहाँ पे हाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सारे लैपटॉप्स के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, ये वेल एडवांस सीट हैं। कई कॉलेजेस में मैंने ऐसी सीट देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इंडियन कॉलेज में इस तरह की अवेलेबिलिटी है। आइए मैं दूसरे क्लासरूम से दिखा दूँ, चार क्लासरूम है, चारों के चारों ऐसे ही हैं बिल्कुल आइडेंटिकल। ये देखिए ये भी ऐसा ही है, ग्रीन बोर्ड है हमारे पास, फिर वहाँ पे पावर पॉइंट है, वहाँ पे वो डेस्क है, प्रोजेक्टर अवेलेबल हैं बच्चों के लिए स्टडीज़ के लिए, स्मार्ट स्टडीज़ के लिए। और ये सारी सीट्स हैं। आइए मैं आप लोगों को इसका टॉप फ्लोर तक दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। आइए अभी हम उस कॉरिडोर से बाहर भी जाएंगे, चलिए मैं दिखाई देता हूँ एक मिनट में जल्दी से कॉरिडोर। वो हमारी जो फोर्थ ईयर की बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन में और वो कंप्लीट हो चुकी है, एक साल पहले ये बनना स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर है, ये फोर्थ बिल्डिंग है, ये बन चुकी है नियरली, फोर्थ ईयर की है ये। ये थर्ड ईयर की बिल्डिंग है कॉरिडोर से, वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए है। आइए सबसे पहले मैं आपको नंदिनी लेक्चर थिएटर के में पूरा दिखा देता हूँ कि हमारी क्लासेस कहाँ चलती है फोर्थ ईयर की।
आपको मैं स्टेयर से ले जाऊंगा, लेकिन लिफ्ट का भी बताऊंगा कैसी लिफ्ट है हमारे पास। आइए, हम जहां पर थे वो ग्राउंड फ्लोर था, अब ये फर्स्ट फ्लोर है। बहुत ही खूबसूरत फैकल्टी है, हमारी टीम में बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी मच अप्रोचेबल टू एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड टीचर्स एज वेल। हमारे यहाँ टीचर्स का एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें सारे टीचर्स लर्न कर रहे थे हाउ टू डू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ टू डू बिकम अ वेरी गुड टीचर। आज उन लोगों का वो सब ख़त्म हो गया है। यहाँ थर्ड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, आप सीट्स देख सकते हैं, वही पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, वही सीपीयू है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ग्रैनुलोमोटस इन्फेंटिसेप्टिका लिखा हुआ है, और आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है लिस्टीरिया का, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। आइए मैं दिखा देता हूँ कि मेरी क्लासेस कहाँ चलती हैं। मेरी क्लासेस यहाँ चलती हैं फोर्थ ईयर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, FVAS फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस इंडक्शन प्रोग्राम। यहाँ पे सब चीज़ें बताया जाता है, सिखाया जाता है, और मैं यहाँ बैठता हूँ दोस्तों, और ये सीट फिक्स है हमेशा ही। आइए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि जब हम ब्रेक में निकलते हैं बाहर में तो कैसा लगता है। ये कॉरिडोर है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो दिख रहा है वो हमारा हॉस्पिटल है TVCC, उसके बगल से हम लोगों ने एंट्रेंस करी थी, वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी और हम लोग आए थे। आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हमारा जो LFP लाइफ स्टॉक फार्म प्रैक्टिस का जो फार्म है वो कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये सारे हमारे फार्म अभी डेवलप हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, ऐसा लगता ही कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करा रही है, लगता है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की फंडिंग है, लेकिन ये दिस इज़ द रियलिटी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इतना फंड हमारी एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है। ये पानी पीने के लिए वाटर कूलर है, वो फीमेल्स का टॉयलेट है, यहाँ बच्चे रेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, इंजॉय करते हैं। आइए मैं आपको इस कॉरिडोर से भी दिखाता हूँ, जो मैंने कहा था कि सारे तीनों कॉरिडोर्स इंटरकनेक्टेड हैं, वो हमारी फोर्थ ईयर की बिल्डिंग है। वो देखिए हमारे फार्म्स, यहाँ से हम लोगों ने नंदिनी लेक्चर थिएटर के अंदर एंट्रेंस ली थी। आइए मैं, हो सकता है आपको टॉप का, अगर ऊपर का गेट खुला होगा तो मैं आपको टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ नंदिनी लेक्चर थिएटर से, टॉप का व्यू कैसा दिखता है। आइए मैं आपको एक और चीज़ देख के दिखाता हूँ, ये मेल्स का टॉयलेट है। ये जो थर्ड फ्लोर है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, बहुत मस्त और ख़ूबसूरत सा ऑडिटोरियम जिसमें 200 लोग करीबन बैठ सकते हैं। ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे कभी काउंसलिंग होती है या कोई इम्पोर्टेंट मीट्स होते हैं तो वो यहीं होते हैं। आइए मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके चलता हूँ, वो खुला हुआ है, आपको वहाँ से मैं दिखाऊंगा किस तरीके। ये देखिए, वो TVCC है, वो महामाना जी की मूर्ति है बीच में,
वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है, यहाँ से हमने नंदिनी के एंट्रेंस ली है। और ये हमारा फार्म देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास सारे एनिमल्स धीरे धीरे आएंगे। अभी हमारे पास शीप है, गोट है, पोल्ट्री में बहुत सारी वैरायटी है, और क्वेल है हमारे पास, डक है हमारे पास, टर्की है हमारे पास। बहुत ही खूबसूरत आज मौसम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा जो एलएफपी फार्म है कितनी तेज़ी से बन रहा है, ये चारों तरफ एक रिंग रोड जैसी बना रखी है। और चारों तरफ अगर आपको शायद विजन क्लियर होगा नहीं, मेरे कैमरे की वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन चारों तरफ रेंजेस हैं जिसमें बहुत सारा वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। यहाँ हमें सार मिल जाते हैं, और क्या कहते हैं कि बारह सिंगा तो एक आध बार दिखा था मुझे, जंगली सुअर दिखे हैं मुझे, और नील गाय मुझे बहुत दिखी है यहाँ पर, रैबिट्स हेयर जो कहते हैं ना, जंगली जो रैबिट्स होते हैं वो दिखे हैं। ये देखिए ये कॉरिडोर बन रहा है फोर्थ ईयर की जो बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए। चलिए गाइस मैं आपको अब दूसरी फैकल्टी दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसी कैसी लैब्स हैं, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा नंदिनी लेक्चर थिएटर। आप लोगों को दोस्तों वेटनरी में आने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ हर साल बढ़ती ही जा रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ए फ्यूचर इंटरव्यूज गाइस।